हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है फिर हम जो है डेफिनेट इंटीग्रल के चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस में कंटिन्यू करते हैं। ठीक, आज नया जो है टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल बाय द साइक्लिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या है डेफिनेट इंटीग्रल? डेफिनेट इंटीग्रल बाय टाइपिकल सब्स्टिट्यूशन, इसी को इंटीग्रल बाय द टाइपिकल सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रल बाय द टाइपिकल सब्स्टिट्यूशन दैट फॉर एग्जांपल इज जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन माइनस एन, एक्स की पावर एन माइनस पावर एन लॉग एक्स डी एक्स अपॉन एक्स। ये एक क्वेश्चन है देखो, एक कोई टर्म्स है और उसकी क्या है, ये रेसिप्रोकल है। इसका इंटीग्रेशन है जीरो टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर माइनस एन लॉग एक्स डी एक्स अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकालना है दैट लेट पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टी, दैट इज मीन्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी। इसका वन लेट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टी फिर कर देंगे लेट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टी टी देन डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। इसका पुट कर देंगे इट मींस वी हैव व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो टी टेंड्स टू इनफिनिटी, व्हेन एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी इसमें क्या रखेंगे, ये आगे इन्फिनिटी टू जीरो, इन्फिनिटी टू जीरो एफ वन अपॉन टी की पावर एन प्लस वन अपॉन टी की पावर माइनस एन लॉग वन अपॉन टी डी एक्स माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन वन अपॉन टी। इट मीन्स वी हैव इन्फिनिटी टू जीरो टी की पावर माइनस एन टी की पावर एन टी और माइनस एन टी की पावर एन लॉग टी वन अपॉन टी टी माइनस यानी माइनस ये है ना वो लॉग वन अपॉन एक्स। इसे लिखता हूं लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स माइनस लोग टी इन्फिनिटी टू जीरो इन्फिनिटी जीरो टी की पावर एन प्लस टी की पावर माइनस एन लोग टी ये क्या है माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर वन अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी
डी टी अपॉन टी, ए वन अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी वन अपॉन टी माइनस डी अपॉन टी। इट मीन इट, अगर इसकी वैल्यू ये आई है, इट मीन इट विल बी टू द माइनस आई, इट विल टू द आई, आई माइनस आई, आई प्लस आई इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज दैट टू आई इक्वल टू जीरो, हैंड आई इक्वल टू जीरो हैंड, और आई की वैल्यू क्या आ गई जीरो। आई की वैल्यू इट मीन द जीरो टू इनफिनिटी एक्स पावर एन प्लस एक्स पावर माइनस एन लोग डी एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई जीरो आ गई, कितनी आ गई इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है भैया, आगे अब अगर एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन क्या है ये, लेट ए इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी लॉग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन फाइंड द वैल्यू जीरो टू इनफिनिटी, देन द फाइंड द वैल्यू जीरो टू इनफिनिटी एक्स लॉग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब इन टर्म्स ऑफ ए। लेट ए इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी लॉग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी एक्स लोग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ ए, ए की इन टर्म्स में वो निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लिया ये वैल्यू है जीरो टू इनफिनिटी, किसकी वैल्यू निकालनी है जीरो टू इनफिनिटी एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर थ्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका क्या कर रहे हैं, क्या करा मैंने, एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को माइनस कर दिया और माइनस लॉग एक्स वो कर दिया अपॉन वन प्लस एक्स की पावर थ्री जीरो टू इनफिनिटी। इन तीनों में से लॉग एक्स, लॉग एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, लॉग एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, एक्स प्लस लॉग वन लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन जी आगे जीरो टू इन्फिनिटू एक्स प्लस वन लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का क्यूब, इसे अलग अलग कर दिया, क्या आगे जीरो टू इन्फिनिटू अपॉन वन प्लस एक्स का क्यूब माइनस लॉग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का क्यूब याद है। जीरो टू इन्फिनिटी
इट मीन्स वी हैव दैट, ये आ गया 0 टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वन लोग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का क्यूब माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई है ए आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई है ए। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं, अब इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वन लोग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर थ्री, ये क्या आ गया एक्स प्लस वन लोग एक्स अपॉन ए की पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, दैट मीन इट मीन्स ए प्लस बी लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, किससे जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी आएगा, ये आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी, नीचे के लोग है ही ना, नीचे लोग एक्स अपॉन लोग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन माइनस एक्स, लोग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन डी एक्स, पुट x इक्वल टू t रख दो, पुट x इक्वल टू t रख दो, डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, पुट वेयर पुट x इक्वल टू वन अपॉन टी, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर dt, पुट x इक्वल टू वन अपॉन टी, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर dt, इट मीन्स जीरो टू इन्फिनिटी log वन अपॉन टी, वन अपॉन टी का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर डी, व्हेन एक्स इक्वल टू, जब इसकी लिमिट रखेंगे तो लिमिट भी इसकी चेंज हो जाएगी, व्हेन एक्स इक्वल व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू इन्फिनिटी, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो इसकी लिमिट भी क्या जाएगी, इसकी लिमिट आएगी यहां तो बात समझ में आ गई भाई। अब आगे क्या आता है, इसको सोल्व कर लेंगे, क्या जाएगा ये जीरो टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी स्क्वायर एक यहां माइनस आएगा लोग टी जाएगा लोग सी माइनस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर जाएगा तो क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन क्या आएगा लोग टी टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी डी टी ये कहें के बराबर हो जाएगा ये भी आई के बराबर आ गया कहें के बराबर है मान ले ये भी आई के बराबर था ये कहें के बराबर था ये भी आई के बराबर था ये भी कहें के बराबर है माइनस आई के आई आई क्या आएगा टू आई इज इक्वल टू जीरो एंड इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू जीरो एंड इसकी वैल्यू क्या जाएगी इसकी वैल्यू जीरो आ गई इस वैल्यू क्या आ गई माइनस ए जीरो माइनस ए इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई उसकी वैल्यू कितनी आ गई जीरो माइनस ए
0 minus a is equal to minus c, and it will be the value of minus a. देखो भाई इसकी वैल्यू निकालनी है x log x प्लस x इन टर्म्स ऑफ a, इसको ले लिया log x प्लस माइनस माइनस कर दिया, log x को दोनों कॉमन ले लिया, इसको अलग अलग करा, ये आ गया सोल्व करते करते x प्लस वन log x जीरो टू इनफिनिटी टू x प्लस वन log x इन टू एक्स, ये माइनस माइनस ये इनफिनिटी आ जाएगा यहां तक के, अच्छा अब इसको क्या कर दिया, इसको तो माइनस ए आ गई इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कर देंगे एक्स प्लस वन लोग एक्स वन प्लस क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसे सोल्व कर देंगे एक्स प्लस वन पे एक्स प्लस वन मिल गया जीरो टू इनफिनिटी, पुट एक्स इक्वल टू वन बाई टू तो डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई डी टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वन बाई टू इसमें पुट करेंगे तो क्या गया लोग टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी इक्वल टू माइनस आई आई प्लस आई टू आई टू आई इक्वल टू जीरो आई इक्वल टू जीरो, हैंस आई की वैल्यू कहाँ रख दूंगा मैं यहां रख दूंगा मैं, ये तो आई था जीरो ये तो माइनस ए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो माइनस ए, हैंस इट विल बी द फंक्शन विल बी वैल्यू टू द माइनस ए, ठीक है भाई। अब आगे है जैसे जैसे क्या किस्से हैं जैसे ये इफ एफ एक्स इक्वल टू इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो पाई टू पाई एफ इनवर्स एक्स डी देन द एफ इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई टू पाई एफ माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसकी हमें जो है वैल्यू निकालनी है, किससे निकालनी है भैया, जैसे अच्छा अब क्या है वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल पाई टू टू पाई एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है पुटिंग एक्स इक्वल टू पुट एक्स इक्वल टू एफ टी तो डी एक्स इक्वल टू f dash t dt put x equal to t then dx equal to f dash g dash t so put we have acha acha f agar mare ke function ki f pi ki value pi ho jayegi f 2 pi ki value 2 pi ho jayegi फोर एफ पाई की वैल्यू कितनी आएगी, फोर एफ पाई इक्वल टू पाई एंड एफ टू पाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ
टू पाई आ जाएगी, यानी पाई टू टू पाई कितनी आ जाएगी, पाई जो भी तो है, अगर पाई टू टू पाई एफ इनवर्स एक्स, जो कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ टी, तो ये डी टी टी एफ टी डैश टी डी टी, ई एफ डी डैश टी टी। अब इसमें फिर जैसे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म लगा लेंगे, इससे इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी एफ टी सी एफ टी पाई टू पाई, पाई टू टू पाई माइनस पाई टू पाई, पाई टू पाई, इसका डिफरेंशियल वन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, फिर एफ डैश टी का एफ टी डी टी क्या आएगा, वन इंटू एफ टी डी टी, तो क्या आएगा टू पाई, क्या टू पाई एफ टू पाई माइनस पाई एफ पाई माइनस पाई टू पाई वन एफ टी डी टी, पाई टू पाई वन एफ टी डी टी। एफ टी की वैल्यू कितनी है, एफ टी की वैल्यू दे रखी एक्स प्लस साइन टी, क्या आएगा एक्स प्लस साइन टी, टी प्लस साइन टी डी टी, इट मीन्स टू पाई पाई क्या आएगा यहां से, टू पाई एफ पाई, यानी एफ टू पाई कितने पाई, ये क्या टू पाई मल्टीप्लाई एफ टू पाई कितने टू पाई माइनस पाई, एफ पाई की वैल्यू कितनी है पाई माइनस जीरो टू पाई, अच्छा टी क्या रहेगा टी स्क्वायर बाई टू साइन टी का कोस टी माइनस कोस टी, और पाई टू टू पाई क्या गया जीरो टू पाई क्या गया पाई टू पाई है, ये पाई टू टू पाई, अभी क्या गया टू पाई टू पाई फोर पाई का स्क्वायर माइनस पाई का स्क्वायर, एक बार टू पाई रख दूंगा, एक बार क्या रख दूंगा इसमें पाई रख दूंगा, क्या आ जाएगा ये माइनस फोर पाई का स्क्वायर अपॉन टू माइनस कॉस टू पाई माइनस पाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस कॉस पाई, फोर पाई माइनस पाई का स्क्वायर कितना आ गया थ्री पाई का स्क्वायर कितना आ गया माइनस माइनस थ्री पाई स्क्वायर बाई टू माइनस कोस टू पाई, कोस टू पाई की वैल्यू कितनी होती है कोस टू पाई, कोस टू पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो माइनस प्लस पाई स्क्वायर टू माइनस प्लस वन, कोस पाई, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है प्लस टू वन, तो क्या देने आ जाएगा ये टू दो में लेके आएगा टी दो या छे एक सात थ्री पाई स्क्वायर बाई टू थ्री पाई स्क्वायर प्लस टू अपॉन टू, क्या थ्री पाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू अपॉन टू, या थ्री पाई स्क्वायर प्लस टू अपॉन टू, क्या थ्री पाई स्क्वायर प्लस टू अपॉन टू, ये आ जाएगा इसका, देखो क्या दे रखा है, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स then the find value 0 pi to pi, pi to pi, pi f inverse x dx,
इसकी हमें जो है वैल्यू निकाल, वैल्यू किसी निकालते हैं, जीरो टू पाई एफ इनवर्स एफ डी एफ ले लिया, पुट एफ इक्वल टू एफ एक्स, तो डी एफ इक्वल टू एफ डैश डी टी डी टी टी डी टी, इसमें से वैल्यू रख दिया। अब जो हमें पता है एफ पाई की वैल्यू पाई होगी, बिकॉज एफ टू पाई की वैल्यू टू पाई आएगी। अब मैंने क्या करा, इसके टी एफ डी टी एफ इनवर्स एक्स को क्या आ गया, एफ इनवर्स एक्स को टी रखा, एक्स को एफ टी, तो क्या आ गया टी एफ डैश टी, टी एफ डैश टी, एफ इनवर्स एक्स को क्या आ गया एफ टी, एफ से एफ जाए टी एफ डैश टी डी टी। अब फिर डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट का इंटीग्रेशन बिटवीन टू पार्ट्स, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया, फिर इसकी लिमिट रख दी, और फिर जो है ये आ जाएगा एफ टी डी टी, एफ टी डी टी वैल्यू एफ टी, एफ टी इक्वल टू टी प्लस साइन टी, ये रख दी वैल्यू, इसको सोल्व कर दिया, ये आ गया एफ टी एफ टू पाई माइनस एफ पाई, टू पाई की फिर वैल्यू यहाँ रख दिया, टू पाई रख दी, एफ पाई की वैल्यू क्या रख दी पाई रख दी, फिर टी प्लस साइन टी को वैल्यू रख दूंगा सोल्व करके, क्या आ जाएगा थ्री पाई स्क्वायर टू पॉइंट टू, ये आंसर आ जाएगी। आगे बढ़े भाई, एक होता है रिडक्शन फॉर्मूला, एक क्या होता है रिडक्शन फॉर्मूला, व्हाट यू मीन रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला होता क्या है भाई, इफ आई एन इज इक्वल टू जीरो टू वन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू एन, देन टू एन आई एन प्लस वन टू एन आई एन प्लस एन वन, टू एन आई एन प्लस वन इज इक्वल टू टू की पावर माइनस एन प्लस टू की पावर माइनस एन प्लस टू एन माइनस वन आई एन, ये इफ आई एन इज इक्वल टू, इफ आई एन इज इक्वल टू जीरो टू वन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर टू एन, एन बिलोंग्स टू एन, टू एन आई एन प्लस वन इज इक्वल टू टू की पावर माइनस एन प्लस टू एन माइनस वन आई एन, दैट इज कॉल्ड टू द रिडक्शन फॉर्मूला। एक और फॉर्म याद कर लेंगे, आई एन इज इक्वल टू इफ जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देन आई एन इज इक्वल टू, देन आई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एन की वैल्यू ये दो आ जाती है,
एन माइनस वन अपॉन एन क्या है कि एन माइनस वन अपॉन एन, एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू, आगे क्या है एन माइनस फाइव अपॉन एन माइनस फोर, ये एन माइनस फाइव अपॉन एन माइनस फोर अप टू वन बाई टू फाइव बाई टू इफ एन इज इन, एन इज इन एक क्या जाती है की वैल्यू एन माइनस वन अपॉन एन, एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू, एन माइनस फाइव अपॉन एन माइनस फोर, टू बाई थ्री वेयर एन इज, अगर आई एन की वैल्यू एन माइनस वन, एन माइनस वन अपॉन एन, एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू, एन माइनस फाइव वन बाई टू पाई बाई टू, एन इज इवन, इफ टू बाई थ्री वन, इफ इफ एन इज ऑड, इसको हम जो है याद कर लेंगे, बिल्कुल रट लेंगे, आई लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे ना, यानी कि रिडक्शन फॉर्मूले ऊपर गए आई एन डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन, टू एन आई एन प्लस वन इज इक्वल टू टू की पावर माइनस एन प्लस टू एन माइनस वन वन आई एन, सिमिलरली आई एन इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू स्क्वायर की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन, ये भी जुगत हूँ, ये भी जुगत हूँ, ये भी जुगत हूँ, वन बाई टू पाई बाई टू इफ एन इज इवन, वन बाई टू पाई बाई टू इफ एन इज इवन हो गए, और टू बाई थ्री बाई आई हो जाएगा वैन एन इज ओड, अगर एन इज इवन है तो ये फॉर्मूला, एन इज ओड है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई फिर एक क्या है जीरो टू एम आई एम एन इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर एम साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स वेयर एम आई एम एन इज इक्वल टू एम माइनस वन अपॉन एम प्लस एन आई एम माइनस टू एन एम एन बिलोंग्स टू आई वेयर एम एन बिलोंग्स टू आई ये एम एन बिलोंग्स टू एन आई एम एन इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर एम एक्स कोस की पावर एन डी एक्स आई एम एन इज इक्वल टू एम माइनस वन अपॉन एम प्लस एन आई एम माइनस टू एन इज इक्वल टू एम एन ये होता है अगर देन आई एम एन इज इक्वल टू देन आई एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है एम माइनस वन एम माइनस थ्री एम माइनस फाइव एंड सो ऑन सिमिलरली एन माइनस वन एन माइनस थ्री
एंड सो ऑन अपॉन अपॉन एम प्लस एन एम प्लस एन माइनस टू अपॉन एम प्लस एन माइनस फोर अप टू पाई बाई फोर। एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये एम माइनस वन एम माइनस थ्री एम माइनस फाइव एंड सो ऑन एन माइनस वन एन माइनस थ्री एन माइनस फाइव एंड सो ऑन अपॉन इफ ये फॉर्मूला कब होता है, इफ एम इन इफ एम एन इज बोथ एम एन आर इवन बोथ एम एंड एन आर अगर एम एन और आर इवन है तो ये फॉर्मूला आएगा इफ अदरवाइज। अदरवाइज ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला जाएगा, आई एम एन इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर एम एक्स कोस की पावर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू आई एम एन एम माइनस वन अपॉन एम प्लस एन आई एम माइनस टू एम एन एम एन बिलोंग्स टू एम एन है इस तरह को आई एम एन की वैल्यू क्या आ जाएगी एम माइनस वन एम माइनस थ्री पर ये फिर एन के इस तरह ही माइनस ओड में कर दिए फिर एम प्लस एन एम प्लस एन माइनस टू एम प्लस एन माइनस फोर इज टू पाई बाई टू मल्टीप्लाई पाई बाई फोर है यहाँ पाई बाई फोर नहीं कब पाई बाई फोर मल्टीप्लाई होगी व्हेन बोथ बोथ का मतलब एम एंड एन आर क्या है इवन हो अगर एम एन इवन हो तो ये फॉर्म लग जाएगा इफ एम एंड एन नॉट इवन अदरवाइज कुछ भी हो एम एम इवन हो एन ओड हो इफ बोथ आर ओड इफ बोथ आर वन इवन एंड वन ओड देन विल बी दो फॉर्मूला देन दिस फॉर्मूला विल बी एम माइनस वन एम माइनस थ्री एम माइनस फाइव। देखो भाई जैसे अभी को प्रूव करना है फॉर्मूले को जैसे इससे पहले जो फॉर्मूले लिखा हुआ था उसको देख प्रूव करके दिखाते हैं आता कहां था। देखो जैसे जैसे क्या है फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर एन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन निकालना है क्या क्या निकालना है इंटीग्रेशन। अच्छा जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर एन एक्स डी एक्स इसको क्या कर सकता हूं मैं जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर एन अच्छा भारी को इधर लिख लो देखो चलो इतना ही साइन की पावर एन माइनस एक्स इंटू साइन एक्स
यानी एक्स की पावर, अगर कहीं एक्स की पावर ये लिखा हुआ है एन, वी कैन से एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, वन से बन जाएगा क्या आ जाएगा एक्स की पावर एन, इट मीन्स साइन एन की पावर एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स। अब इसका क्या कर दिया मैंने, फिर पुट ऑफ टू फंक्शन इंटीग्रेशन में क्या रहता है, साइन एन की पावर एक्स माइनस जुगत हूं साइन एक्स का क्या आ जाएगा कोस एक्स माइनस जीरो टू पाई बाई टू माइनस जीरो टू पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा जीरो टू पाई बाई टू साइन एन की पावर क्या एन माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स साइन एक्स का क्या जाएगा कोस एक्स साइन एक्स का कोस एक्स किया जाएगा। अब ये क्या आ गया इसकी लिमिट, देखो भाई अजय यहां पाई बाई टू रखूंगा तो ये कोस पाई बाई टू के लिए जीरो रखूंगा, माइनस जीरो रखूंगा तो साइन जीरो की दैट विल बी टू द जीरो, इट विल बी लिमिट टू द जीरो, इट हैव ओनली मीन्स वी हैव टू जीरो टू पाई बाई टू क्या लिख दिया जीरो टू पाई बाई टू एन माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स डी कोस एक्स डी एक्स ये आ गए। ये क्या आ जाएगा यहाँ एन माइनस टू साइन एक्स क्या आ गया साइन का कोस है कोस का थ्री साइन कोस स्क्वायर एक्स क्या आ गया यहाँ कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स क्या कर लूंगा फिर मैं एन माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो टू पाई बाई टू इट मीन्स एन माइनस वन एन माइनस वन साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस साइन का माइनस माइनस प्लस साइन का स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो टू पाई बाई टू इट मीन्स वी हैव फॉर दिस वी हैव एन माइनस वन जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स यहाँ एन माइनस वन दिया गया एन माइनस वन इधर भी देखने चाहिए ये आ गया एन माइनस वन की एन माइनस वन जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इसको एन माइनस वन को यहां लिखना था यहाँ एन माइनस वन ये ठीक। अभी आगे अब इसके बाद क्या करता हूं मैं देखो भाई आई एन इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर एन एक्स ये एन माइनस वन साइन जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर एन माइनस टू एक्स इट मीन्स वी हैव
इट मीन्स वी हैव दैट म्यूजिक आई एन इज इक्वल टू कितने चला रहा है एन माइनस वन आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन आई एन. इट मीन्स इसकी वैल्यू तो देखो आई एन की इक्वल तो चली आ रही है, इसकी वैल्यू जीरो टू फाइव बाई टू साइन एन माइनस टू एक्स की आई एन माइनस टू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आई एन. इट मीन्स इधर दोनों इधर कर लिया प्लस ला गया, क्या आ गया आई एन क्या जाएगा ये आई एन प्लस आई एन एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन आई एन माइनस टू ये आ गया. इन दोनों में क्या कॉमन ले लूंगा आई एन फिर दोनों कॉमन ले लूंगा आई एन इज इक्वल टू आई एन दोनों में क्या कॉमन ले लूंगा आई एन इज इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन आई एन माइनस टू. इस वन से बन जाएगा आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन आई एन माइनस टू. इट मीन्स वी हैव आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन एन माइनस थ्री अपॉन टू. इट मीन्स एन माइनस वन अपॉन एन एन माइनस वन अपॉन एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू. अब टू जीरो और वन इसकी वैल्यू आई एन की वैल्यू आ गई एन माइनस वन अपॉन एन एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू एन माइनस फाइव अपॉन एन माइनस फाइव. अब टू जीरो टू एन इसकी आई एन की एक ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है आई नोट और आई वन अब है अकॉर्डिंग टू एन दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू एन इज इवन और ओड अकॉर्डिंग टू एन इज इवन और ओड अकॉर्डिंग टू दिस इफ एन इज इवन है या ओड है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये क्या आ जाएगी एन माइनस वन अपॉन एन एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू एन माइनस फाइव अपॉन एन माइनस फाइव अप टू फाइव बाई टू अप टू फाइव बाई टू वन बाई टू एन इज इवन. ये क्या आ गई एन माइनस वन अपॉन एन वन बाई टू आई एन इज वन बाई टू आई आई एन इज इवन अगर एन की इवन है जो आ जाएगी अब एन इज ऑड क्या आएगी वन बाई टू आई. तो इसकी वैल्यू हम जो है ये सीधी फॉर्मूले में जिस भी डायरेक्ट इसको डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लेना है ये रिजल्ट याद कर लेना इसका ये आता है एन की वैल्यू इवन होगी तो दैट इज वैल्यू होगी और एन इज ओड होगी दैट इज वैल्यू ये होगी. ठीक है भाई आगे
एक क्वेश्चन है देखो आईआईटी में आया है, इसे करते हैं जैसे ठीक क्या, जैसे 0 2 -2 2 0 x³ +3 x² +3 x +3 x +3 +x +1 cos x प्लस वन एक्स प्लस वन cos x प्लस वन dx, इसकी वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू -4 4 0 6। कौन कौन सी होगी, ए की -4 4, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू क्या होगी, डीसी। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये, -2 से 0 x³ +3 x + 3 x +1 cos x प्लस वन dx, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है और डी की वैल्यू 6 है, इनमें से क्या होगी, इनमें से क्या होगी, क्या होगी भाई, देखो किस्सा करते हैं। देखो गिवन है क्या फंक्शन है, x³ प्लस ए क्यूब, देखो ये फॉर्म लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस डी क्यूब, इसे क्या कर सकता हूँ, ए क्यूब x³ +3 x² +3 x प्लस, इसे कर लिया 1 + 2 +x + 1 cos x + 1 (dx)। ये आ गया -2 -2 0, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² भी प्लस 3b क्या गया, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या गया, ए प्लस बी क्यूब का होल क्यूब, एक्स प्लस वन का होल क्यूब प्लस 2 प्लस एक्स प्लस वन इंटू कॉस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ये आ गया, ये आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, -2 2 0 2 1। अच्छा जी, अब ये है x+1, इसको क्या कर दिया मैंने, x+1 को क्या लिख सकता हूं मैं, लिमिट वही लगा के प्रॉपर्टी क्या आ गया, -2 -x - -2 -x+1 -2 -x+1 का होल क्यूब +2 +2 -2 -x+1 -2 + x + 1 के कॉस -2 + x + 1 अब सु डी एक्स। ये आ गया, सो ये 0 2 -2 आ गया। -2 -x+1 क्योंकि इससे आ गया माइनस, इसकी वजह से -2 - x - 2 - x cos -2 - x -2 - x + 1 आ गया। ये क्या आ गया, ये -1 और माइनस, ये है ना -2, देखो ये क्या आ गया -2 - x+1, ये क्या गया -1 और -x, ये क्या गया 1 1, बाहर माइनस को मिल लेंगे 1 + x³ बाहर, 1 माइनस बाहर माइनस मिलेगा, क्या गया 1 + x³ -1
वन प्लस एक्स का क्यूब, जीरो टू माइनस टू टू जीरो आ गया। अच्छा जी, अब ये क्या आ गया, माइनस टू से माइनस टू जाएगा, माइनस टू से माइनस टू से माइनस टू जाएगा, इससे ये क्या आएगा वन प्लस वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स ये आ गया भाई कॉस, ये क्या आ गया वन कॉस वन प्लस एक्स, क्या आ जाएगा कॉस वन प्लस एक्स, कॉस वन प्लस एक्स डी एक्स, ये किसको आ गया, ये देखो क्या आ गया, ये आ गया कॉस, यहाँ इधर कॉस लिख दिया जाए, यहाँ ये ए ये कॉस माइनस थीटा, क्या की कौन होता है कॉस थीटा, तो कॉस माइनस वन कॉमन लेके वन प्लस एक्स, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यार कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या इक्वल हो जाएगा यार कॉस थीटा, इट मींस कॉस वन प्लस एक्स डी एक्स। नाउ वी कैन दैट अब ये क्या आ गया, ये देखो ये सारा मान लिया आई के इक्वल है, मान लिया सारा क्या इक्वल है, ये आई के इक्वल चेक आ गया, ये आई के इक्वल चेक है। अब मैं क्या करूंगा इसमें, ये जो है दो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या लिमिट करते हैं दो से मल्टीप्लाई, टू आई इक्वल टू माइनस टू टू जीरो, टू टू जीरो, टू यहां आ गया माइनस वन प्लस एक्स का क्यूब प्लस वन माइनस एक्स का कॉस वन प्लस एक्स डी एक्स, कॉस वन प्लस एक्स डीएफ। अच्छा अरे नहीं, मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू टू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी खरी इसकी वैल्यू ही क्या आ गई टू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई इसकी टू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सारी की टू आ जाएगी, जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आई इक्वल टू माइनस टू टू जीरो टू, तो टू क्या आ गया आई इक्वल टू टू माइनस टू, जब इसको टू का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स आ जाएगा, तो क्या आ गया डी एक्स आई इक्वल टू क्या आ गया फोर, आई इक्वल टू क्या आ गया ये फोर आ जाएगा, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा ये फोर आ जाएगा, hence i की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये फोर आ जाएगी। देखो भाई ये फंक्शन था ये, तो एक ए प्लस बी टू का क्या लगा, फिर मैं लिमिट लगा दी आ गया, तो इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये टू आ जाएगी, क्या आएगी जब सोल वो करेंगे तो इसकी वैल्यू टू आ गई, तो टू आ गया, फिर इसका इंटीग्रेशन करा i इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू, i इक्वल टू क्या आ गया फोर आ गया, क्या आ गया ये hence it will be to the फोर, i की वैल्यू कितनी आ गई इस फंक्शन में, i की वैल्यू फोर आ गई। ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई, एक और पूछते हैं देखें, जीरो टू वन
जैसे ये भी आईटीयू क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? जैसे 0 to 1, 0 to 1 एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू होगी 27/5, 27 माइनस 5, 27 प्लस 5, 2/105, 2/105 एंड देन 0 27 माइनस 5, 2/105, 0 71/15 माइनस 3/2, ए बी सी डी है, इसको कर दो 50 है, इसकी वैल्यू में निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या करनी है हमें निकाल। फॉर दिस वी हैव दैट देखो भाई, ये है 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसे क्या करते हैं, पहले से तो फोर लेंगे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, फिर इधर ही आ जाएगा मल्टीप्लाई, 1 और आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, ये आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का ये आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया। और इसमें साथ में मल्टीप्लाई कितने की है, एक्स की पावर 4 की भी मल्टीप्लाई है, एक्स की पावर 4 भी यहां लिख दिया, एक्स की पावर 4 भी यहां लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा सारे, वो देखो क्या आ जाएगा, करो तो क्या आ जाएगा भाई, देखो भाई इसमें जो है 1/4 x² कोफिशियंट से ये कर दिया, ये आ जाएगा, फिर 1/4 x² कोफिशियंट से ये कर दिया, तो इसमें जो है 1 प्लस x² का तो एक बार कोफिशियंट निकाल दो सारा, ये कॉमन लेके यहाँ, और फिर जो बचा हुआ कॉन्स्टेंट है वो बचा हुआ कॉन्स्टेंट निकाल दो, और इनके नीचे क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे आ रहा 1 प्लस x², फिर इसके नीचे क्या आ रहा 1/4 x², ये निकाल दो, ये सारे इकट्ठा कर लो, इससे आसानी हो जाएगी, तो देखो क्या आ रहा है भाई, ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6 स्क्वायर है, तो एक्स की पावर 6 आगे प्लस, और बताइए क्या क्या मतलब क्या आएगा, -4x5 प्लस 5x4 और आगे -4x² + 4 और क्या आएगा भाई, -4x² + 4 -4/1 + x² ही आ जाएगा, 1/1 x² का यहाँ कोफिशिएंट आएगा, फिर x² में मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा ये
अभी से यहां लिख देंगे इससे, तो ये इससे ये कैंसिलेशन आ जाएगा, क्या आएगा एक्स की पावर छ माइनस, क्या आ जाएगा एक्स की पावर छ माइनस चार एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये एक्स की पावर छ माइनस चार एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर छ माइनस चार एक्स की पावर पांच प्लस पांच एक्स की पावर चार माइनस चार एक्स स्क्वायर प्लस चार अपॉन माइनस चार इंटू वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में है जीरो टू वन, इंटीग्रेशन में क्या है जीरो टू वन। इसके क्या आ जाएगा एक्स की पावर सेवन अपॉन सेवन माइनस फोर एक्स की पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस फाइव एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस फोर एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस फोर माइनस फोर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स अब टू जीरो टू वन, जीरो टू वन ये आ गई। फोर फोर एक्स फोर टेन इनवर्स एक्स। अब जीरो की वन टू जीरो, पहले वन लिखेंगे यहां लिमिट में फिर जीरो लिखेंगे, तो बताओ कि क्या लिमिट आ गई, उसकी लिमिट आ जाएगी, आ जाएगी इसकी आंसर आ जाएगा वन बाई सेवन माइनस टू बाई थ्री प्लस वन माइनस फोर बाई थ्री प्लस फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ फोर हो गए ट्वेंटी सेवन अपॉन फाइव, क्या आएगा ट्वेंटी, क्या आएगा ट्वेंटी सेवन अपॉन माइनस फाइव आ जाएगा थर्टी फोर, इसका आंसर ये आ जाएगा। ये आईआईटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ है कई बार रिपोर्ट हो चुका है, ठीक है इस तरह हम जो है इनसे तो आंसर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स ऑफ ऑल, ठीक है बाय।